नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज दास। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप देख पाए। और सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको मेरा शुभकामना है, आप लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे ड्राई फास्टिंग के ऊपर। ड्राई फास्टिंग वो है जो हमारा घर के माँ बहन महिलाएं बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ये बहुत पुरातन पद्धति है, बट अल्ट्रा मॉडर्न होके, थोड़ा सा आधुनिक होके हम इसको भूल चुके हैं। दोबारा इसको अपनाना पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, कीटो डाइट, ये सबसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फैट लॉस के लिए आपका ड्राई फास्टिंग। और थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे ड्राई फास्टिंग क्या है, इससे बेनिफिट्स क्या है, कितना ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, कितना ड्यूरेशन के गैप के बाद इसको कर सकते हैं, और कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसको नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राई फास्टिंग क्या है कि आपको ना सॉलिड खाना खाना है, ना ही लिक्विड खाना खाना है, ना ही स्मोकिंग करना है। इसके ड्यूरेशन के अंदर जब आप ड्राई फास्टिंग करेंगे, इसके ड्यूरेशन के अंदर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं करना है। जिनको ड्रिंकिंग करने का आदत है वो भी नहीं करेंगे, जिनको चाय कॉफी पीने का आदत है वो भी बीच में नहीं करेंगे। इससे बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो फैट लॉस होता ही होता है। फैट लॉस कितना होता है? 2 केजी से लेकर 5 केजी तक आपका फैट लॉस होता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, हार्ट डिजीज क्लियर होता है, और आपका कैंसर का प्रिवेंशन होता है। पीसीओडी पीसीओएस अगर दिक्कत है आपको तो वो भी क्लियर होता है, और महिलाओं को अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं आता है तो वो भी इससे क्लियर होता है। तो आपको देखा आपने कितने सारे बेनिफिट्स है, और इस ड्राई फास्टिंग को हम लोग आज के डेट में भूल चुके हैं। और आज भी हमारा घर के लेडीज जो हैं ये करवा चौथ या इस तरह व्रत रख के इसको कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ महिला ही नहीं, हम सबको इसको करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। अब हम बात करेंगे कि ड्राई फास्टिंग काम कैसे करता है। आपका बॉडी को जब खाना पानी बंद हो जाता है तो आपका बॉडी को 2 चीज चाहिए होता है, एक ग्लूकोज चाहिए होता है और एक लिक्विड पानी चाहिए होता है उसको चलाने के लिए, उसको बॉडी को एनर्जी टाइम टू टाइम देने के लिए। आप जो बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आपका ब्रेन जो वर्क कर रहा है, तो सब चीज के लिए ग्लूकोज चाहिए। आपका बॉडी को एनर्जी चाहिए हर पल हर मोमेंट। इवन आप जब रात को सो जाते हैं, जब आप बॉडी बिल्कुल रेस्ट मोड पे चला जाता है, तब भी आपका बॉडी में रेस्पिरेशन चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज कहां से मिलेगा? जब आपने खाना बंद कर दिया, आपका फैट सेल डिजॉल्व होगा, कीटोसिस प्रोसेस में आपका बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपका बॉडी ग्लूकोज के जगह कीटोस में चलेगा। तो आपका बॉडी को जो जो एनर्जी चाहिए वो कीटोस से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पानी कैसे मिलेगा। आपका फैट सेल में है हाइड्रोजन और आपका ब्लड सेल में है ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलेगा, H2O बनेगा। आपको पता है पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। आपका फैट सेल से 2 हाइड्रोजन आया, आपका ब्लड सेल से 1 ऑक्सीजन आया, मिलके H2O हुआ, और ये बॉडी को पानी प्रोवाइड किए दोनों मिलके। आपको थोड़ा सा कमजोरी महसूस होगा, क्यों? आपका ब्लड सेल से ये ऑक्सीजन ले रहा है, यानी हीमोग्लोबिन को ये धीरे धीरे डाउन करेगा। जितना देर तक आप फास्टिंग बढ़ाएंगे इतना देर तक आपको धीरे धीरे कमजोर महसूस होता चला जाएगा। बट जहां लगता है इससे बाद में नहीं सह सकता, इससे बाद आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, उस टाइम इसको ब्रेक कर दीजिए इमीडिएटली। क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं, तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। नॉर्मली हम 12 घंटे तो कर ही लेते हैं, 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे अगर आप कर पाते हैं तो आपको फायदा इससे मिलेगा। मैक्सिमम कितना करना है? मैक्सिमम आपको करना है 36 आवर, इससे ऊपर नहीं करना है। आपको कोई भी सजेस्ट करे, ये जितना जो चीज जितना बेनिफिशियल है बॉडी के लिए इतना खतरनाक भी, तो अगर बेनिफिशियल है तो उसको एक लिमिट तक कर सकते हैं, 36 आवर तक मैक्सिमम इसको कर सकते हैं। कितना ड्यूरेशन के गैप में कर सकते हैं? आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं आज आपने किया कल फिर खाना खाया फिर परसों करने लग गए तो इससे आपका तबीयत खराब हो सकता है। आप एक हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, यानी वीकली 1 टाइम, मंथली 4 टाइम, और मंथली जो 4 टाइम होगा एक ड्यूरेशन के बाद 5 दिन 6 दिन के गैप देके आप 4 दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं मंथली 4 दिन जो है कंटिन्यूसली कर लें। और इसको कौन कौन लोग नहीं कर सकते? सबसे इम्पोर्टेंट, जो माइग्रेन पेशेंट है वो नहीं कर सकते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो नहीं कर सकते हैं, जो धूप में काम करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा,
इसको हम ब्रेक कैसे करें, जैसे फास्टिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उससे बाद हम ब्रेक कैसे करें। आप बिल्कुल सॉलिड फूड मत लेना, बहुत ज्यादा हल्का फूड लेना। सबसे पहले ब्रेक करना आप एक लिक्विड से, लाइक आप लस्सी से ब्रेक करें, आप नारियल पानी से ब्रेक करें। उससे बाद आधा घंटे 45 मिनट छोड़ के थोड़ा सा हल्का खाना लाइक फ्रूट्स या बॉइल्ड वेजिटेबल्स थोड़ा सा लेना, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम से जाके प्रेशर ना डाले। कोई सॉलिड फूड लाइक चावल, रोटी, चिकन, मटन, इस तरह खाना आप मत लेना। फिर आधा एक घंटे छोड़ के आप थोड़ा बहुत खाना जो सॉलिड फूड है लाइक ओट्स, दलिया, इस तरह खाना आप ले सकते हैं। उससे बाद जाके फिर आप मील ले सकते हैं, दो तीन घंटे के बाद आप मील ले सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप जितने लोग भी करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप सही तरीके से 24 घंटे कर लिए, 24 आवर्स इस फास्टिंग को कर लिए, आपका 2 kg से लेकर 5 kg तक फैट लॉस हो सकता है। डिपेंड्स अपन योर प्रेजेंट वेट, आपका वेट कितना है उसी हिसाब से आपका फैट लॉस होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।